तो गैस आज हमारे पास ये माइक्रोमैक्स का प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं ये एक पावर बैंक है माइक्रोमैक्स का जो मैंने अभी बाय किया है इसका प्राइस है 500 के समथिंग है ठीक है ये अलग अलग मार्केट में अलग अलग वैल्यू पे अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 से कम का है ये मैं आपको बता दूँ कहीं पर भी आप इसे परचेस करेंगे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन ठीक है गैस तो मैं आपको दिखा दूँ ये माइक्रोमैक्स का है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं पैकेट पर लिखा है माइक्रोमैक्स मैक्स जीनियस एसोसिज ठीक है गैस देख सकते हैं इस साइड भी लिखा है और यहाँ कुछ नहीं है और इस साइड देख सकते हैं माइक्रोमैक्स की सील है कि सील ब्रेक हुई है या नहीं तो ये एक क्वालिटी जो है इसकी मतलब कि जो होता है कि मतलब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट डाल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है एकदम हाई क्वालिटी का है देख सकते हैं सील ब्रेक नहीं हुई है अभी और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं तो इसको मैं पहले इसकी रैपर जो है काफ़ी हार्ड है देख सकते हैं फट नहीं रहा है तो मैं इसे निकाल लेता हूँ इसी में से तो वैसे ये देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है अनबॉक्स हो चुका है और इसकी सील ब्रेक करनी होगी हमें तो इसको मैं किसी चीज़ से कर देता हूँ पेन से कर देता हूँ तो देख सकते हैं गैस बिल्ड क्वालिटी जो है ना इसके ऊपर के रैपर की काफी ज्यादा है तो ये कुछ इस तरीके से अनबॉक्स होता है रैपर हटा देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसको निकाल के बाहर क्या बात है बॉक्स के अंदर बॉक्स फिर इसको इसके अंदर से खींचते हैं तो यहां पे आपको कुछ यूजर गाइड मिलेगा जिसे कोई नहीं पढ़ता है और ये पावर बैंक है ठीक है गैस तो उसकी रैपर को हम हटाते हैं इसके ऊपर से गैस ये पैकिंग ही इनकी इतनी अच्छी होती है ना क्योंकि मेड इन in इंडिया प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा आप देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है ये तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पावर बैंक जो है इसका लुक कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग है एंड माइक्रोमैक्स का स्टिकर लगा हुआ है जिसपे इसके बारे में लिखा हुआ है ग्रे कलर का है एक हजार दस हजार चार सौ एम का बैटरी है इसके अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में ये पावर बटन है जिसे मैंने एक बार प्रेस किया तो कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे पोर्ट्स है यहाँ पे आपको आउट वन आउट टू तो गाइस ये वाला जो है ये टू पॉइंट वन एम्पायर का है और सॉरी फाइव पॉइंट फाइव वोल्ट टू एम्पायर का है ठीक है गाइस फाइव वोल्ट वन एम्पायर का है सॉरी और ये वाला जो है फाइव वोल्ट टू एम टू पॉइंट वन एम्पायर का है और ये माइक्रो यूएसबी है इसमें चार्जिंग का ठीक है गाइस पाँच से सात घंटे में चार्ज हो जाएगा तो ये है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसमें तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इसमें कर लेता हूँ टू में वन में कर लेता हूँ फिर आपको टू में भी दिखा दूंगा ठीक है गाइस तो ये मैंने इसमें किया प्लग इन और इसको मैं अपने फोन में कनेक्ट करता हूँ तो गाइस ये चार्ज नहीं हो रहा है अभी तो मैं इसे ऑन करता हूँ तो भी चार्ज नहीं हो रहा आई थिंक इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म है तो चार्ज करने के बाद इसको पता चलेगा ठीक है तो मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ तो मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया है फुल चार्ज तो नहीं आ, मैंने दो तीन घंटे लगाया था तो इसको मैं पहले इसमें पोर्ट में कनेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको मैं फ़ोन को चार्ज करके दिखाऊँगा तो इसको मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ोन के अंदर तो ये बड़े ही आसानी से हो गया कनेक्ट और आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है तो गैस जैसे कि हम ए सी चार्ज करते हैं जो मतलब बोर्ड से जैसे डायरेक्ट चार्ज करते हैं घर में उतनी ही स्पीड में चार्ज होता है कोई स्लो चार्जिंग नहीं है फास्ट चार्जिंग है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी पड़ी है बस गैस आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में तब तक लेट टेक केयर बाय बाय